ये तो अच्छा है यार, आज गोम्स किचन से ही खाना क्यों ना मंगाएं? लेकिन सब नॉनवेज है, शीतल भाई साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? चलो छोड़ो, आज शीतल भाई को छोड़ के सलीम भाई के साथ बैठते हैं। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज फिर हमारे साथ हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे सखा, हमारे बाल सखा सलीम भाई। कुछ नहीं है, आपका प्रेम है, आपका प्यार है, आपकी दोस्ती है जो इतनी तारीफें करते हैं, वैसे इतनी तारीफ के लायक नहीं है। नहीं नहीं, इतनी तारीफ तो सर नालायकों की होती है। लायकों को कहाँ कोई पूछता है आज। ये सही है। तो सलीम भाई, आज आपका सब फेवरेट आइटम है, बिकॉज मुझे पता है कि आपको सी फूड बहुत पसंद है। बिल्कुल, तो देखते हैं फिर। चलिए। वाह, वैसे ये कहाँ से मंगाया ये बताया नहीं आपने। सलीम भाई, आज कुछ स्पेशल है। अच्छा, और हर स्पेशल चीज पर्दे में ही अच्छी लगती है। चलो देखते हैं पर्दा हटने के बाद में खूबसूरती क्या है। काल के पंजे से एकदम डांडिया है भाई। बाहर से देखने में ही मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, क्योंकि आपने पहले बता दिया कि मुझे सी फूड बहुत पसंद है। हाँ, तो मैं इस इंतजार में हूँ कि कब आप खोलेंगे और कब मैं चखूंगा। तो फिर ठीक है, अब देखते हैं, पर्दा उठाते हैं। ठीक है। प्रॉन्स पिकल, ब्लैक क्रैप्स करी, पॉम्पलेट ग्रीन करी, भाकरी, स्टीम राइस, बांगड़ा फ्राई। तो बताइए पहले कौन, पहले झपट्टा किस पे मारा जाए। देखिए, वैसे मशहूर पॉम्पलेट है, पहले मैं मेरे ख्याल से उसी को पौड़ा जाए, ग्रीन जाल उस पर डाला जाए। हाँ, तो कहावत है ना, हरा है मन भरा है बाबा जी के बाग में, दुसाला ओढ़े खड़ा है। यस सलीम भाई, आपने करी और डालते, मेन तो करी का मजा है। आप खुद खोल दोगे, बिकॉज क्या है कि आप इसके वो हो जौहरी। चलो देखते हैं। एक बात तो मैं सच कहूंगा, अभी तक जितनी बार आपने मुझे बुलाया है, जितना खाना खाया है ना, बाकी तो सब ठीक है, ये पहला टेस्ट पहले निवाले में वो सारे खाने जीरो। क्या बात कर रहा है, वाह। अरे आप बता दो भाई कौन है। अरे बता देंगे सलीम भाई, अभी तो एक ही चीज आपने टेस्ट की है, अभी तो ये देखिए ना, ये सब बाकी है, क्योंकि आज ये हमारी नहीं, ये आपकी परीक्षा है, आपका इम्तहान है। चलो देखते हैं, आप बताओगे मुझे कि ये ऐसा हो। बताना पड़ेगा। यस, ये लीजिए। तो ये क्रैब इंग्लिश में कितना अच्छा लगता है, जब हिंदी में बोलो तो बड़ा ही नाम, केकड़ा। केकड़ा है। बताइए। क्या बात सलीम भाई, एकदम साइलेंस हो गए आप तो। मैं तो लाजवाब हो गया यार। बता दो भाई, मैं भी अपने घर मंगाऊंगा यहाँ से। मैंने कभी केकड़ा नहीं खाया है। आप खा रहे हो। लेकिन मैं खाया ना, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं केकड़ा खा रहा हूँ। क्रैप नहीं, मैं तो केकड़ा ही बोलूंगा, क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत सारे केकड़े हैं। भाई बढ़िया ये भी यार, क्योंकि ये केकड़े ही है जो इंसानों से मिलते जुलते हैं। नहीं, एक केकड़ा ऊपर चढ़ेगा तो पीछे से चार केकड़े उसको खींचते हैं। ये तो हाँ भाई, ये तो आज के दौर का चलन नहीं है। हाँ, तो अब आप ये प्रॉन्स पिकल, मतलब के प्रॉन्स का झींगे का अचार। झींगे का अचार, ये कमाल का नाम ही कमाल का है। नाम ही कमाल है।
लोग सोचते हैं कि अचार तो आम का होता है, आम का होता है, नींबू का होता है, बैंगन का होता है, झींगे का होता है। हाँ, ये तो हम भी खा के देखेंगे, पता चलेगा। झींगे तो बड़े मस्त हैं भाई, एकदम खाए जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आम का गलका खा रहा हूँ मैं तो। बढ़िया है तो बचाई गया इनका, बहुत अच्छा है इसका। हाँ। जो होटल जो जो भी हो, जहाँ कौन है भाई? भाई बता रहे सलीम भाई, कहाँ आप भी खाने से भटक जाओगे फिर नाम सुनने के बाद। आप अब बचा है आप? ये बांगड़ा फ्राई है। हाँ। ये सोचिए अगर रात के 3 बजे आप मुझे जगा दें। अच्छा। बहुत पार्टी से होकर आया हूँ मैं, खूब खा के बोले नहीं अब नहीं, अब नहीं खाऊंगा, और घर पहुँच गया और सोने के बाद अब भाई उठो क्या है, सोने दो यार। आप कहोगे कि नहीं बांगड़ा फ्राई, तो नींद गायब हो जाएगी, मैं शुरू हो जाऊंगा। बांगड़ा फ्राई मेरे लिए इतना मतलब। अच्छा, अब मैं बांगड़ा नहीं खाता, मेरे घर में अगर कभी बना भी तो मैं बोलता हूँ मैं बांगड़ा नहीं खाऊंगा, पाम्पलेट खा लूंगा। अरे इसमें इतने कांटे होते हैं, एक बार भाई मेरे गले में फंस गया, सूखा चावल खा के अंदर लेना पड़ा। ये तो मेरे बेटे के दिमाग में भी नहीं, कांटे होते हैं, मैं तो मछली इसलिए। अरे मैं बोला खाने का तरीका होना था, होना चाहिए। अब वो तरीका नहीं पता ना, बताइए। चलो बांगड़ा फ्रेश लग रही है। हाँ, बांगड़ा हमेशा जो है ये फ्रेश है। हाँ, इसमें कुदरती नमक होती है बांगड़ा में। तो भैया ये तो भाई देखो सब चीज़ तो खा गए, तेज सब हो गया, अब राज खोल दीजिए। राज ये है कि ये आप राइस लीजिए, उसमें ये ग्रेवी डाल के, ग्रेवी के साथ राइस कैसा लगता है? हम 100% श्योर हैं सर कि इस तरीके से खाने के बाद आपके मुंह से खुद निकलेगा कि ये कहाँ से आया है। मेरे दिमाग में एक बात घूम रही है। हाँ, पहले ये जायका ले लूँ इसका। हाँ, उसके बाद मैं कहूँगा। अब हाँ, वो जिस होटल का भी होगा, हाँ, उनके लिए वो कॉम्प्लीमेंट होगा जो मैं कहने जाऊँगा। ठीक है, ओके। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि किस चीज़ कौन सी करी के साथ खाई जाए। अब ये तो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि हर करी इतनी ज्यादा टेस्ट ला जाओ कि मन कर रहा है कि सबको मिक्स करके एक साथ ही खा लिया जाए। राइस तो राइस ही होता है, होता है, लेकिन इसका राइस देखिए आप, टेस्ट कीजिए आप। सर ये राइस कहाँ है, ये देखो ना सर, खाइए आप, देखिए ना, देखिए अच्छा, अलग मतलब लग रहा चावल। हाँ, अलग टाइप का है। अरे एक एक दाना देखिए ना ऐसा, कि अगर आप ऐसे फेंक दीजिए बिखर तो जाए। बिखर जाएगा क्या संतोष साहब? हाँ साहब, अब आप तो बता नहीं रहे हो, लेकिन मुझे जिस होटल का भी है ये, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ, मेरे घर में जो है ना सी फूड मेरी मम्मी बनाती है, मेरी सिस्टर बनाती है, या मेरी वाइफ बनाती है, ये तीनों का टेस्ट अलग होता है। हाँ, लेकिन सबसे बेस्ट जो है मेरी मम्मी बनाती हैं। बहन और वाइफ भी बना लेती हैं, लेकिन उनमें थोड़ा मॉडर्न तड़का होता है। लेकिन मम्मी जो बनाती है ना, उसमें एक अलग सा स्वाद होता है, देसी स्वाद। अच्छा, जो घरेलू स्वाद बोलते हैं ना, वो आप मिस कर रहे हैं? नहीं भाई, वो इसमें देखने को मिल रहा है। तो ये कौन सा ऐसा होटल है भाई जहाँ पर हो? जय हो गुरुदेव, जय हो, क्या पहचाना है भाई, क्यों सच्ची में मेरे घर से मंगवा लिया क्या, मेरी मम्मी के बना हुआ? नहीं सलीम भाई, फिर ये घर गुती भोजन है। ये एक घर में गोम्स किचन करके है मालोनी में। हाँ, वहाँ से हमने मंगाया है। आप जो मतलब लोग बोलते हैं ना बाहर खाना खाने के बाद, हाँ, यार घर का खाना मिस कर रहे हैं। हाँ, तो उनको तो यहाँ खाना खाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो मतलब खास करके सी फूड खाते हैं। हाँ, सी फूड का मतलब बहुत बढ़िया बनाया, बहुत है। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, कमाल 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 भाई। एक बात मुझे मतलब बाद में बोलूँ कि अभी बोल दूँ? नहीं अभी बोल दो सर। इसका नंबर दे देना मुझे,
गोम्स का? बिल्कुल दे दूंगा सर, नंबर भी दे दूंगा, एड्रेस भी दे दूंगा, और कंसेशन भी मिल जाएगा। कंसेशन भी मिल जाएगा, कंसेशन तो नहीं बता सकता क्योंकि हमें खुद नहीं मिला है, उसका मैं कैसे आपको बता दूं, लेकिन टेस्ट जरूर मिलता है। टेस्ट? हाँ, अरे कंसेशन की जरूरत ही नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। एक खाना इतना स्वादिष्ट है कि भैया पैसे, जब खाना स्वादिष्ट होता है तो आदमी जो है पैसे की फिक्र नहीं करता है। अच्छा स्वाद बोलते हैं, जब बहुत अच्छा स्वाद, मन भरता है ना तो तन भरता है। आज जब मन ही नहीं भरेगा तो तन कहाँ से भरेगा? कहते हैं ना, पति के दिल में उतरने के लिए पेट से होकर जाना पड़ता है औरतों को। हाँ, लेकिन ये गोम्स हमने तो मतलब औरत का काम खुद ही उठा लिया, खुद ही उठा लिया। हाँ? अब मुंह के जरिए पेट में उतर गया। हाँ? तो दोस्तों देखा आपने, आज का जो ये खाना है ये सारा सी फूड गोम्स किचन से आया था और वाकई सब एक से बढ़कर एक टेस्टी, किसी में कोई कमी निकालना बहुत मुश्किल था क्योंकि हमारे सलीम भाई जो हैं सी फूडर हैं, फूडर हाँ। और फूडर दो होते हैं, तो ये सी फूड के बड़े बहुत बड़े फेवरेट हैं, लेकिन इन्होंने इनके मुंह से एक ही शब्द अच्छा लगा कि ये, मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी माँ के हाथ का बना हुआ है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है और आप भी इस चीज़ को फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक आदमी ने खाने के बाद बोला कि माँ के हाथ का बना हुआ है। तो आप बस इसी तरह से हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड करिए और कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारी ताकत हैं। तो आप इस ताकत से अभी हिम्मत करिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।